मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मैं सुबोध सर एक बार फिर स्टर्लिंग ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं क्लासेस का साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जो हमने फर्स्ट आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, सोर्सेज ऑफ फूड, जो फूड हमको मिलता है, जो भोजन हमको मिलता है या एनिमल को मिलता है, किन किन तरीक़ों से कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तो हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था। आज हम उसके आगे आपको बताएंगे। आज हम आपका टॉपिक है फूड आइटम्स दैट कम फ्रॉम प्लांट्स, वह जो भोजन हम करते हैं, जो हम खाते हैं, वो चीज़ इससे प्राप्त होता है, दैट कम्स फ्रॉम प्लांट्स, जो प्लांट से मिलता है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, प्लांट्स रूट आर यूज्ड एज फूड। क्या दिया है? प्लांट का जो रूट होता है, जो जड़ होती है, उसको भी हम खाने में यूज करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं उसको देखिए। रूट्स आर अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। क्या है? अंडरग्राउंड मीन्स जमीन के नीचे। व्हिच हेल्प इट एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। क्या करता है? क्योंकि भाई हम पेड़ पौधों को जो न्यूट्रिएंट्स या पानी या जो भी चीज़ें देते हैं, तो किस में देते हैं? मिट्टी में देते हैं। तो जो प्लांट्स का कौन सा पार्ट होता है जो मिट्टी में होता है? उसकी जड़ होती है। तो वही दिया है कि जड़ जो होता है एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। किस काम करता है? वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। फ्रॉम द सॉयल इफ यू आर ईटिंग रेडिश, कैरेट, टर्निप, स्वीट पोटैटोस आर दीज आर रूट्स। अगर हम ये सब चीज़ें खाने में उपयोग करते हैं या खाने में हमको पसंद है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं देख लीजिए, रेडिश, कैरेट, टर्निप, स्वीट पोटैटोस, ये सब क्या है? तो रूट है, जड़ है, जिसको हम खाने में यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोगों को खाने में चीज़ें पसंद आती है। सेकंड चीज़ देखिए, प्लांट स्टेम्स आर यूज्ड एज फूड। क्या दिया है कि प्लांट स्टेम्स, अब फर्स्ट पॉइंट आपने देखा कि इसके रूट को, अब सेकंड पॉइंट आप देखिए कि प्लांट स्टेम्स आर यूज्ड एज फूड। जो प्लांट का स्टेम होता है, जो तना होता है, प्लांट का जो तना होता है, उसको भी हम कहाँ यूज करते हैं? खाने में यूज करते हैं। अब देखिए, स्टेम्स ऑफ प्लांट्स लाइक शुगर केन, ओनियन, पोटैटो, जिंजर, ये सब चीज़ें हम क्या हैं, जिसको हम स्टेम होते हैं किसके? प्लांट के। और हम क्या करते हैं इसको? अपने खाने में, सब्जी में या किसी भी तरीके से इसको हम उपयोग करते हैं और हमको खाने में अच्छा लगता है। आप एक चीज़ आप देख लीजिए कि जो शुगर केन होता है, ये किन किन चीज़ों और यूज होता है, जिसको हम ईख बोलते हैं, गन्ना बोलते हैं गाँव में, इसके इसमें यूज़ किया जाता है। जैसे आपने देखा है गुड़, गाँव में बोलते हैं गुड़ खाना है, या बहुत लोगों को जो मीठा खाने वाले होते हैं उनको गुड़ बहुत पसंद होता है। किससे बनता है? शुगर केन से, जो मोस्टली आज हर एक घर में मिलता है, जिसको हम बोलते हैं शुगर, चीनी, वो किससे बनता है? शुगर केन से ही बनता है। शुगर केन के द्वारा ही इसका निर्माण होता है। थर्ड है, प्लांट्स लीव्स आर यूज्ड एज फूड। अभी आपने देखा रूट, अब आपने देखा स्टेम, अब देखिए लीव्स। प्लांट्स के हर एक पार्ट को किसी तरीके से यूज किया जाता है। अब देखिए लीव्स, द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज कैबेज, स्पाइनेज, मस्टर्ड प्लांट, एटीसी, इस तरह ये सब चीज़ें जो होती है हम किसी न किसी रूप में यूज़ करते हैं, सब्जी में या किसी और चीज़ में इसको यूज़ करते हैं। फोर्थ पॉइंट है, फ्लावर फ्रॉम प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड। क्या दिया? फ्लावर। अब देखिए, रूट स्टेम लीव्स, अब कहा आ गया आपका फ्लावर। अब इसके फूल को भी हम यूज़ करते हैं, जो इसके फूल होते हैं वो भी हम यूज़ करते हैं खाने में। देखिए क्या दिया है, फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स सच एज कर्ली फ्लावर, क्लोव, ब्रोकली,
यूज्ड एज फूड। ये सब चीज़ें किस रूप में, इसके जो फ्लावर होते हैं, जो फूल होते हैं, हम इसमें यूज करते हैं, खाने में यूज करते हैं, हमको अच्छा लगता है सब्जी के रूप में और किसी के रूप में, जिसको जो भी चीज़ें आती है बनाना वो उसी रूप में इसको यूज करता है। अब देखिए पांचवा पॉइंट, फ्रूट प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड। अब देखिए ये सबसे मुख्य चीज होता है फ्रूट। मोस्टली ये चीज़ आप जानते हैं कि फ्रूट जो होता है वो लगभग कई तरह के फ्रूट होते हैं, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है। तो फ्रूट जो होते हैं बहुत सारे होते हैं जो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से पसंद आते हैं। फ्राम फ्रूट वी हैव लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड। मोस्ट फ्रूट आर ईटन रॉ। बहुत सारे फ्रूट होते हैं जो हम कच्चे पसंद करते हैं। सम फ्रूट आर ईटन वेजिटेबल। बहुत सारे फ्रूट होते हैं जो हम वेजिटेबल के रूप में यूज करते हैं। एग्जाम्पल अलमंडा, किशमिश, एप्पल, बनाना, एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हम तरह तरह के, आप उनका नाम लिखने लगेंगे तो बहुत सारे आपको मिलेंगे। तो यहाँ आप एग्जाम्पल पर हम एक दो आपको बता रहे हैं। अब हम आगे आपको नेक्स्ट पॉइंट अब आपको बताने जा रहे हैं। हमने आपको पांच पॉइंट बताया, अब छठा पॉइंट देखिए, सीड्स आर यूज्ड एज फूड। देखिए कि हमने आपको बताया कि प्लांट के हर भाग को आपने देखा, ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी इसके पार्ट होते हैं, स्टेम से लेकर फ्लावर से लेकर रूट तक जितने भी पार्ट होते हैं सब। अब यहाँ ये सीड्स मेनली सीरियल, बहुत सारे ऐसे दुर्दाने वाले होते हैं जैसे आर्टन फ्रॉम सीड्स एंड दीज आर रिसोर्स ऑफ फूड। ये क्या होते हैं, जो भोजन होते हैं ये मुख्यतः इन्हीं से प्राप्त होते हैं। जैसे आप देखिए गेहूँ से क्या बनता है आपका, आटा बनता है। पैडी से क्या बनता है आपका, चावल बनता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। फिर देखिए फॉर ह्यूमन बींग एंड एनिमल्स, क्या है ह्यूमन बींग और एनिमल। आपने देखा होगा केवल प्लांट जो होते हैं ये मोस्टली जितने एनिमल या ह्यूमन जो भी चीज़ होते हैं इसी पर सब डिपेंड होते हैं। ऑल एनिमल एंड ह्यूमन आर डिपेंड ऑन प्लांट, मोस्टली इसी पर डिपेंड होते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग क्या होते हैं, हम या जो एनिमल होते हैं हेटरोट्रॉफ होते हैं, लेकिन प्लांट क्या होता है, ऑटोट्रॉफ होता है। प्लांट अपना भोजन स्वतः बनाता है। उसी चीज़ देखिए सम एग्जांपल यहाँ दिया, व्हीट, मैच, पैडी। अब देखिए ये तो सीरियल हो गए। अब इसमें कुछ होते हैं पल्स, आपने देखा होगा खाने में दाल बहुत पसंद होती है, खाना भी चाहिए। दाल जो होती है प्रोटीन से ज़्यादा मात्रा में मिलने वाली चीज़ होती है, तो जितने भी बच्चे होते हैं उनको ये जो होता है दाल खाना चाहिए। तो देखिए आपको दिया ग्राम, मूंग, ईटीसी। अब देखिए उसके अलावा क्या होते हैं, ऑयली, जिनसे मुझे तेल मिलता है, जो ऑयल, जो रिफाइन, जो तरह तरह के ऑयल मार्केट में आ गए हैं, और मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, तमाम प्रकार के ऑयल, ये भी क्या होते हैं, सब इसी चीज़ से आपको प्राप्त होते हैं। अभी हमने आपको बताया फूड आइटम कम्स फ्रॉम प्लांट्स। अब नेक्स्ट वीडियो जब आपसे मिलेंगे तो हम आपको बताएंगे फूड कम्स फ्रॉम एनिमल, फूड आइटम कम्स फ्रॉम एनिमल। बिल्कुल कर दिया ना।